هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على من لا نبي أباده أما بعد نيسى سمستر كاغاز أولاً تيسارني أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم تيخشام ديد رئيسة يتنئي आका हमतरीन क्लास टॉपिक इज नाउ इस्लाम एंड मॉडर्न चैलेंज इस्लाम और इमतियात दरपेश चैलेंज वगैरह छ ई कैत परोइस ठीक है जी इस्लाम सु उन केनस वारह चैलेंजेस हु सामने जैसे इशू उन केनस दौरी फितन यथस वनान छ और बुराई और फितने छ और वजस वन केनस से अल्ला बचे अवलाद दो खोबेदी गसान जिसकी सहिबका मिसाल आपने देखी का हफ्ते में हमारी बेटिया मरतद हो रही है तालीम के नाम पर एजुकेशन के नाम पर शिर को बेदाद फिटनेशा ऑलरेडी इसी तरह से आप देखते हैं कि इस्लामी तहजीब एक साजिश के तहत इसको ख़त्म किया जा रहा है और वहाँ पर मगरबी तहजीब वो बिल्कुल एक दिलकश अंदाज़ में और बल्कि बहुत हद हाँ तक वो कामयाब है इस हदतफ़ में मगरबी तहजीब से फ़ारूक फ़रोग दिन और से जिस खतरनाक फितने चु, वो है इलाहा का फित और और ख़ास कर इसहादाद फितने चु ना ये सोसाइटी हिंदी क्रीमस में ज़्यादा हमारे जो क्रीम या इलीट कला जिसको हम कहते हैं हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स या सेकेंडरी लेवल पे, तो अक्सर उनमें ये जरासीम पाई जाती है क्यों क्योंकि उनकी बेचारों की कोई तरबियत नहीं होती है दीनी व फहम नहीं होता हैलमा के साथ उनका कोई रबा नहीं होता है और दीन की गहराई थारो स्टडी उनके पास नहीं होती है तुम्हें आटोमेटिकली इन चीज़न में फसा तो असर हाजिर में हम जब देखते हैं ना ये जो तो का फितना है एथीज़म का फितना है ये एक ख़तरनाक फ़िक्री चैलेंज है जो कि एक दरपेश चैलेंज है इस्लाम को मुसलमानों को इसी तरह हम दीगर चैलेंज़ भी देखते हैं जैसे सेकुलरिज्म का इसी तरह से लिब्रल्म का या इसी तरह से क्या कहते हैं इसको मॉडर्निज्म का या हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म का या इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का ओरिएंटलिज्म का इश्शराक का या और जो हम फेमिनिज्म के नाम से जिसको जानते हैं नस्मान तहरी के नाम से तो ये डिफ़रेंट चैलेंजस है और हमारे दाई के सामने जब ये दावत का काम करता है ख़ास कर इन चीज़ों के यानी इनका सामना भी करना पड़ता है अब हमारे पास क्या हथियार होना चाहिए हमारे पास कितने मजबूत दलाइल होने चाहिए ठीक तेज़ अज दफाओ कि अस डायरेक्ट दलाइल लेकिन जब तक हम शर को नहीं जानेंगे ना तब तक, तक हम शर से ना बच पाएंगे और ना शर से हम दिफा कर सकते हैं और ना शर का खात्मा कर सकते जैसे एक शायर ने कहा भी है अरफ्तु शर्र लाल शर्र मैंने शर को शर के लिए इन्हें इलम हासिल करने के लिए नहीं जाना इन्फॉर्मेशन लिए नहीं जाना लाकिन या वालकिन अतौकी इससे बचने के लिए शर को जाना ठीक मन ला ये आरफ जो शर को नहीं पहचानता यू शको आई अनकरीब है तो है एक्सपेक्टेड है कि वो उस शर में खुद जाएगा यपुर सेम चैलेंज दरपेश क्योंकि आप जो इन संडे क्लासेस में आते ही कोई एकेडमिकल वो कंटिनसली नहीं होता है ना अस वनो नहाज़ ये असन आसान दरश निज़ामी तो उसमें अलहमदिल्ला वो मतून वगैरह वो हम भी पढ़ाते हैं लेकिन तुखा मामला चीज़ कि क्योंकि आप कि कोई कॉलेज में है कोई यूनिवर्सिटी में है कोई किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ पे ये सारी चैलेंजेज़ आपको दरपेश आती हैं। इसके पढ़ करो इन चैलेंजन मुकाबला तो असल में यही मकसद है यही गाया है लिहाजा ये इथीज़म इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे एथीज़म पे, और फिर जो बाकी जो इसके आ, जो दीगर दि, नजरियात या फिक्री चैलेंज़ हैं उन पर भी हम इन शाद करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा सेमस्टर है तकरीबन तकरीबन चौव आतवार लेकिन जो बेस है रूट है कहाँ से ये प्रॉब्लम एराइज होती है कहाँ से ये मसला क्योंकि आज का मसला नहीं है तो ये वो अचानक माँ आओ ये कहाँ चीज़ ठीक है एथीज़म की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि साहिब का दौर में चाहे शर्क था चाहे कुछ और था लेकिन मजहब का तस्वूर था ठीक चाहे फिर वो करप्टड था या कुछ और उसमें मसाइल थे लेकिन मजहब का तस्वर था हम देखते हैं पिछले 200 साल से जब मॉडर्निज्म का ये कंसेप्ट आया वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में तब से ये एथिज्म ज़्यादा प्रमोट हुआ या एथिज्म को प्रमोट किया गया और आज हम इसकी जरासीम देखते हैं लेकिन एथिज्म को समझने से पहले हमने फ़िलासफ़ी के कुछ बहूस समझने हैं जब तक हम फिलासफी फ़लसफ़े के कुछ बहूस नहीं समझेंगे ना तब तक हमें एथिज्म प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगा लिहाजा कौन गलासफी कन ठीक है फ़िलासफी आप समझते हैं ना फलसफा जिसको हम कहते हैं तो हम इसको एक हेडिंग के तहत फिलासफी ऑब्लिक रिलिजन ठीक हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे हम इनकी सिमिलैरिटी भी बताएंगे हम इनका मौजू भी जिक्र करेंगे पहले हम इसको समझेंगे इन उसके बाद हम इस तरफ आएंगे तो देखिए एक इंसान की जो फितरत है ना ये अमस फितरत मं इहर जिसको हम कहेंगे फितरत मं ये जबिलत ये इंस्टिंगट ये रियलिटी को जानना चाहता है हकीकत को जाना चाहता है क्योंकि एक बच्चा होता है बच्चे चुन ग फिकिर क्योंकि इसका सारा मरकज़ जो है अपनी माँ का हवारा होता है अमस गृष्ट फीडिंग आसे आसन्न अमस गल तो इसका सारा जो फोकस है अपनी माँ की तरफ होता है या ज़्यादा से ज़्यादा फिर बाप या अपने जो उसके आस पास के लोग है यानी बच्चों ने शूरी और वातन जैसे आप लोग हैं अब आप एक एज पे पहुँचे आपने अपना सराउंडिंग ये जो एनवामेंट है ये वर्ल्ड है इसको देखा आप लॉजिकली वथन के कैं सवाल क्योंकि आपका अलहमदिल्ला मजहबी बैकग्राउंड है हमारे जद अजदाद वो मुसलमान थे हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे हम भी अलहमदिल्ला मुसलमान हैं लेकिन सारों का ये इनवामेंट नसीब नहीं होता ये एन्वामेंट में इंसानी अश खोला खास कर आप उन लोगों की उन लोगों की तरफ़ देखे या उनका एन्वामेंट देखे ये लूख कने इस्लाम वा या कु मजहब वाई उनमें पलते हैं उनमें बढ़ते हैं उनमें नशो होती है नर्चर होते हैं तो लाजमी एक इंसान के जहन में कुछ सवाल उभरते हैं ये फितरत आवाज़ रियलिटी के मतलब हकीकत के मतलब अब ये जस्तजु करना चाहता है आखिर रियलिटी क्या है और रियलिटी में खुशन ये फिर सोलूशन ढूंढना चाहता है मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसका फोकस अपनी ज़ात की तरफ मैं कौन हूँ हु एम आई एक बुनियादी सवाल एक इंसान को उठता है वाई आई हैव बीन क्रिएटेड मुझे क्यों पैदा किया गया है हु इज़ माई क्रिएटर मेरा खालिक इनके बुनियादी सवाल और वाई आई एम हयर मैं क्यों हूं यहाँ पे मेरी क्या पोजिशन है यहाँ पे तो ये बुनियादी सवाल इंसानों युद्ध में शूर ये साथ ये इस खोलान सरउंड एन्वायरमेंट से वीछान तो इसमें ये सवाल लाजमी तौर पर कायनात के मतलब यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स के खालिद के मुतल डिजाइनर क्रिएटर जिसको हम कहेंगे उसके मतलब ये सवाल उठते हैं तो इससे पता चला फिलसफी भी इन सवालों को डील करता है और मजहब भी इन्हीं सवालों को डील करता है आप मत समझ मह्हबस फोकस आसान कि अमस दिन सवालन जवाब हो आर यू वाई यू हैव बीन क्रिएट वट इज़ यूअर प्लेस आर पुजिशन इन दिस यूनिवर्स हो क्रिएट दिस यूनिवर्स हु इज़ यूर क्रिएटर आज म समझ तो ये मजहब ही इस सवाल का जवाब देता है और ये फ़िलासफी भी इस सवाल का लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है सिमलरिटी हमने देखी सिमलरिटी दोनों की ये है जो हकीकतें हैं जो रियल्टीज़ है जो हकाइक है ये उन सवाल को एड्रेस करना चाहती है फिलासफी भी रिलीजन भी लेकिन अब डिसिमिलरिटी कहाँ पर है फर्क कहाँ पर है फ़र्क यहाँ पर है ये जो फ़िलासफ़ी है ना यहाँ मकसद के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं फिलासफ़ी फ़लसफे और मज़हब मकसद यही है कि रियलिटी की दरियाफ्त की जाए रियलिटी की जस्तजु की जाए इन सवाल जो कन्फर्ट होते हैं एक बाश इंसान को एक सेंसिटिव इंसान को उन सवाल का जवाब दिया जाए लेकिन मामला यह है फलसफा जो है ना यह सिर्फ अकल पर एतम करता है किस पर अकल पर एतम करता है और मजहब अकल को बेदार करके आपको किसके साथ जोड़ेगी वही है इलाही के नूर से जोड़ेगी फर्क यहां पर वाद सोर्स क्या है फिलासफी में वह है अकल वो क्या है अकल या इदराग जिसको हम कहते हैं इदराक जिसको हम कहते हैं ठीक ये आपका फोकस रहेगा यहाँ फिलोसफी में जिसको हम कहते हैं फिर लॉजिक आप कहें लॉजिकल या लॉजिक या माइंड या बाकी ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी वगैरह ये सिर्फ फोकस करता है अकल पर यह कहता है कि हमारे लिए सोर्स क्या है अक्ल अकल में जो चीज़ आएगी वो चीज़ें है ठीक और अक्ल से ही इन सवाल का जवाब ही दी जाएगा लेकिन रिलीजन का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है ये आपको ये नहीं कहेगा कि आप अकल का इस्तेमाल ना करें या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं रीजन क्या दें उस ना रीजन रिलिजन अश्चून इस्लाम पर्टिकुलर कथ क्या सारी माहबन हज कथ रिलिजन मजहब यो सिर्फ यह वन अकल मेरी इस्तेमाल यह अकल को भी बेदार करता है मगर अकल के साथ साथ ये आपको असल किसके साथ रिश्ता जोड़ेगी डिवाइन रेवल्यूशन जिसको हम कहेंगे इलाही डिवाइन रेवल्यूशन ये आपको इसके साथ जोड़ेगी क्योंकि यहां पे कहा जाता है ना जहां पे साइनस एंड होता है वहां पे फलसफी बिगन होती है और जहां पे फासफफी एंड होती है वहां पे मजहब बिगिन होता है यहाँ इसका सिर्फ रीज़न के साथ तलु अक़ल के साथ तलु इदरा के साथ तल्क यह आपको अकली तौर पर इन सवालों के जवाब योजी वजह तो वह लबा नवाल फलसफी मुतफ़ क्यों क्योंकि अगर मैं कुछ फलसफियों का तस्करा भी करूँगा अ फलसफी वन का कानात आखीह सह वटर सजा या तोह ब्या फलसफी वे ब्या इतफाक लेकिन जब आप मजहब में आएंगे ना वहां इतफाक होगा क्यों क्योंकि मजहब आपके अकल को भी बेदार करती है मगर अकल के साथ साथ कहता है कि नहीं अकल आपकी सारी हकीकतें आपके सामने नहीं रख सकती क्योंकि अकल की जैसे इब्न खुलदून कहते थे इबन खुलदून स्रकर अकल क्या है यह सोने की तराजू है अब पे ना पहाड़ तूलित यानी यहां पे इब्न खुलदून एक लिमिटेशन बयान करता है अकल की हद क्या है अकल की लिमिट क्या है ठीक और जब अकल का लिमिट या अकल की हद आती है ना फिर वहां से कौन सी चीज शुरू होती है वही इलाही तेल वन सू मैंने चुख समी डिजाइन तो ये फर्क है दोनों में फिलासफी भी डील करता है इन बुनियादी सवाल रियलिटीज के साथ रियलिजियन भी डील करता है मकसद के अतबार से दोनों में फर्क नहीं क्योंकि मकसद दोनों का क्या है रियलिटीज को दरियाफ्त करना डिस्कवर करना सर्च ऑफ ट्रुथ हम क्या कहेंगे दोनों का क्या सिमिलरिटी क्या है सर्च ऑफ ट्रुथ हकीकत क्या है सर्च ऑफ ट्रूथ ये इन दोनों का मकसद है लेकिन डिफरेंस कहां पे है हाँ ये जो फिलासफी है ना ये सिर्फ आपको कहेगी अकल से इधराक से रीजन से लॉजिक से ये आपको अकली सवाल अकली जवाब देगी लेकिन मजहब आपको अकल को बेदार करके वही इलाई के साथ रिश्ता जोड़ेगी जो आपको अकल से जवाब नहीं मिलेंगे उनका जवाब किससे होगा वही इलाज जैसे कई भी याद है इलाही याद है अकायद के बाब है वो सारी चीज़ें इन आगे हम डिस्कस करेंगे या आवा समझ यह मसला आवा समझ अब इस फिलासफी में क्योंकि इस पर तो आप देखिए ग्रीक यूनान से ही ये फिलासफी चली आ रही है बल्कि उससे पहले भी कहा जाता है उससे पहले भी थे लेकिन ज़्यादा क्रेडिट किन को जाता है ग्रीकस को क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े फ़लसफी उठे जैसे मिसाल के तौर तो पर सोकरटिस नाम सुना है सोकरटिस नाम बूझमु ये अफलातून उस्ताद पालाटू का ये जो पलाटो था ये उसका स्टूडेंट था उसका स्टूडेंट एरस्टोटल था तो इसी तरह से बहुत सारे फलसफे यूनान से उठे उनका हम थोड़ा सा तस्करा भी करेंगे मसला जो ये चीज के ये जो ग्रीक्स है ना वहां से हम इसको आर्जन करते हैं अब इस पर बहुत अरसा हुआ इस पर बहुत सारी किताबें लेकिन मैंने सिर्फ इस नोट में आपको सिर्फ दो किताबों का हवाला दिया एक द कंसेप्ट ऑफ बेसिक टीचिंग ऑफ ग्रेट फिलासफर्स इस किताब का नाम है द बेसिक टीचिंग्स ऑफ ग्रेट फिलासफर्स ये दो किताबें मैं यहां पे लिखूंगा एक किताब का नाम क्या है द बेसिक टीचिंग्स ऑफ ग्रेट फिलासफर्स ये किसकी है एस ई फ्रोस्ट की एस ई फ्रोस्ट की ये गए किताब अत पे पारें ये एशी फिकरी तारीख के फल्सफियन तो मजहबस दरमियानी सुतसवुर छु इसमें क्या फर्क है दूसरी किताब जो आपके नोट में भी है वो है द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी विल्डोरेंट की है ये इसका नाम क्या था विल्डोरेंट थोड़ा सा मैं इनका जिक्र अछन फिलासफी पर नहीं कि ये एशी अलहमदुलिल्लाह शर्ई कोर्सस लेकिन समझने के लिए बुनियादी जो मालूम होती है किस तरह इनके जो आर्गोमेंट्स होते हैं इन आर्गोमेंट्स का हम किस तरह जवाब दे सकते हैं अच्छा असल तीज़ समझन ये जो बेसिक ऑफ़ ग्रेट फ़िलासफर्स ये 1942 में पब्लिश हुई ये कर आई पब्लिश करने की किताब कन्वे शाजी से मजन एस सी फ्रोस्ट ये कौन है एस ई फ्रोस्ट इसने पी एच यूनिवर्सिटी से हासिल की और नाइनटी में इनका ये इंतकाल हुआ ये मर गए नाइनटीन में ठीक है और इसी तरह से ये जो बिल डोरेंट है ना ये 1981 में आप वाक़ गूगल से आप भी देख सकते हैं कि इनकी जो सवान अगर आप चाहेंगे वो कोई अहमियत का हामिल नहीं है बल्कि हमने देखना इन किताबों में है क्या क्योंकि इन्होंने तकरीबन तकरीबन जो भी फ़िलासफी के बुनियादी सवालत हैं हम कहेंगे बुनियादी सवाल सवाल बहुत सारे हैं लेकिन कुछ होते हैं ना जिनको हम कहते हैं उम जो सवाला की माँ की तरफ होती नहीं सोचान गैदर करें सारे नहीं वो इन्होंने एड्रेस किए और इस इन दो किताबों का मैं आज खुलासा भी बयान करूंगा बुनियादी तौर पे इन दो किताबों में दस तरह की जो रियलिटीज़ होती है या हम कहेंगे ये फ़िलासफी में इनको कहती है प्रॉब्लमस मन क्या वनो प्रॉब्लम यानी दहन प्रॉब्लम डील कहन दहन, दहन सवालत डील करा मसला आओ समझ यहाँ ठीक पक ठीक है तो इन दोनों किताबों का खुलासा यही है एक इंसान जब शुरू या अपने सराउंड में आँखें खोलता है तो लाजमी तौर तो पर दस सवाल इसके सामने कन्फर्ट हो जाते हैं इन दस सवालों को इन्होंने एक एक करके जिक्र किया फिर फिलासफर की व्यव बताई हम इसमें सिर्फ एक सवाल को डील करेंगे क्योंकि अगर इसमें दस सवाल इनके लेक्चर गई अतम गो पूरे सेमस्टर ये सब तकदीर पे यख ना तकदीर तस्वुर ग अक्स दौन त्रेन ओर लरन मं कह ग फ़िलासफर हिंद क्या मं वो हम बात करेंगे फिर आगे देखिए आप फिर इस्लामिक व्यू पॉइंट क्या है न दह सवाल डील कर लेकिन थोड़ा सा तारु में दूंगा क्या क्या सवाल और बुनियादी सवाल इस तुँ ना अच्छा वन असल एथीज़ों करें कत तो हम नेचर आफ गाड पे करेंगे इन तो फिलहाल इन दोनों किताबों का जो खुलासा है ना तो इस खुलाे में इन्होंने दस प्रॉब्लम जो कन्फर्ट होते हैं एक इंसान को दह मसैल दह रियलिटीज इम दहन रियलटीज़न अंसान यवाब छाड़न तथा फलसफ तवाब दिव परक़ तथा मजहब जवाब दिव तो ये क्या है ये दस प्रॉब्लमज़ क्या है द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ पहला नुकता पहला सवाल पहली रियलिटी जो एक इंसान को कन्फर्ट होती है वो क्या है वट इज़ द नेचर ऑफ द यूनिवर्स वट इज द नेचर ऑफ द यूनिवर्स देखिए ये बड़ा ही अहम मसला है ये इंसान अश खूज प्निस सरविंगस क्या वे सवाल नंबर अ प्रब्लम नंबर वन वो क्या है नेचर आफ यूनिवर्स मतलब मतलब कि यह कायन कह आजूदस मे अंद पात कई वजूदस क्या बुनियादी सवाल ये बहस ये सरवंडिंग बहस ये दुनिया ये, ये यूनिवर्स कूनिवर्स क्या अतिम् अच्छा बिगनिंग ये सवाल आप बुनियादी तौर पर इंसान को उठते हैं फिर इन्होंने मुख्तिक जवाब दिए जैसे बिग बंग थ्योरी का आपको मालूम है वो सारे जवाब दिए या आगे मैं टामस हॉबस का एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि ते वोन पाइम मोर उसमें बात करेंगे इनशल गो बुनियादी गोन्क सवाल इस इंसाना वातान सोच कायन वजूदस मुतल क्या इज इट आल बाई कोट एंड एक्ट ऑफ हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे नेचर ऑफ यूनिवर्स समझ के छबनेदी सवाल इज इट एन एक्ट ऑफ डिवाइन डिवाइन एनी डिवाइन डिवाइन क्रिएशन क्या या यूनिवर्सस पर किनचा का अख इलाही का यूनिवर्सल का खदाई का वजूद ये में वजूद है जैसे मतलब साहब का تصور है मतलब क्या कहते हैं इस बारे में ये यूनिवर्स है कि मकसद खतरात बनायो ये बनाओ के अल्लाह ताला बनो क्रिएटर क्या यह मामला यह फलसफ तुलाना सवाल हज किन दामल क्या कहेंगे आर इज इट द रिजल्ट ऑफ ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जैसे आज साइंस जो एथिस्ट वगैरह है वो कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और यहां पे आप Darwin की थ्योरी भी ला सकते हैं जैसे उसने एवोल्यूशन का कन्सेप्ट दिया यह मसल क्या कायनात रबन क्रिएटर वजूदस कि नहीं ये कायनात की ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जैसे एवोल्यूशन का तस्वुर है यानी पहले लाइफ औरजिनेट फ्रॉम वाटर उसके बाद इवाल होती गई होती गई होती गई और आखिर पे इसका जो एपेक्स था तो वो इंसान बना आम मैं सो समझ तो यहां से बुनियादी सवाल उठता है वो चार्ल्स डार्विन चो चालीसारर्दशाम क्योंकि उस पर हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी थ्योरी पे यह कर सवाल वोमु यहन टाइम पे वो ऐसा ईसा सलाम समझ यह सिविलाइजेशन क्योंकि जब वो उनका हम डेटा पढ़ेंगे ना या उनकी बर्थ डेट वगैरह हम हैं बिफोर सी ई क्रिस्चन एरा से पे सी, सी जिसको हैं बिफोर क्राइस्ट हम मत सवाल वोमु युच हकीकत क्या काय माह क्या काय रबन बनोमुस गार्डन ज सुपर पवर चुक चीज नहीं यह पाने आम ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ये, ये बुनियादी सवाल है दूसरा सवाल क्या है जो इन किताबों में है जो फिलासफी जवाब देना चाहती है वो है वट इज मेन प्लेस इन द यूनिवर्स दुम सवाल क्या चुना अच्छा ठीक है अच्छा थोड़ा सा मैंने तरतीब में डिफरेंट किया है मेरे नोट में थोड़ा सा तरतीब में डिफरेंट है। वो है नेचर ऑफ गॉड नेचर ऑफ गॉड अब हम मानते हैं फिलासफी भी मानती है कुछ फिलासफर भी मानते हैं नहीं इसको एक क्रिएटर ने क्रिएट किया है अब उस क्रिएटर का हमें वो सिफात बताई वो तो है कौन उसके अवसाफ क्या है हम कैसे पह, पहचानेंगे इसको जैसे मिसाल के तौर पे इस कायनात का खालिक कौन है और उस खुदा जिसने इसको क्रिएट किया क्रिएटर और इस यूनिवर्स के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है अथम बिथी ट्रेक एंड ट्रैकलिस्टस टॉमस हॉबस का है, जो इंग्लैंड के थे, उसने किताब लिखी लेविथन, ठीक मैं उस पे अहमद डिटेल उस पे बात करूँगा ते वसा प्म अोर पेम अुवर से तेह सम का दुख बिजती दख कई तेम पुवर पे पकान पाने वह क्रिएटर तो वाले क्या तस्वरा गो ना ब्रोक कल ग हॉज सो भजस तम तौर आबजस पे अक लटि करा कंज स हम् यूनिवर्स ये कम कू कई कू पुश कम कुछ वोर कू सवाल मगर इथ त दिवस जवाब द्रेम वोर कम दूक वाँ तरव यल वह ला तालु अमेंश क्या प्रेम वोर चयन वजूद ये अक दा वाकई गुम तेज ला तालु क्यों तमिश् कल तलुक अमिश तल ते सिफात इस कि बुनियादी ब्या सवाल कत क आत्मजनस इंसान सरियल टीम और इसी में के ताजुद ब्याखा ये चीज है क्या हम समझ कस गई गाइस द प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम के नोटिस में लिख हाँ, अब यहाँ पे तीसरा बड़ा मसला है सो गो माइनस प्लेस इन द यूनिवर्स माइनस प्लेस इन द यूनिवर्स ये सारा सो क्या नसती इंसान का प्रश्न यूनिवर्सस पे दुम सवाल गूनिवर्स वजूद मन वो पुनः पन वजूद जिसको वो कहते हैं फिलसफी में बींग वजूद अपना वजूद अच्छा मेरा ये जो वजूद है ना यह रैली यह वजूद रैली ऐसे भी मसाइल है जैसे मिसाल के तौर तो पर मैं कुछ फिलसफियों का जिक्र भी करूँगा तमो वोन आंक दोटस बह सोचान तु मैं बताओगा इसका मान्य क्या है और त्रम बुनियादी सवाल ये मे क्या जाई या बाल फाज दीगर वनो इस यार ना सजिथ हमें महाराज सो सब बहुत जशन है माने खेने ये जो का यह बारात की ले लीजिए ये सारा कायना जो हमारे जो मुसखर हुआ है वह आफ्ताब जून बाकी ये या प्लांट्स जितने भी है खूबसूर्ति इंसानस खतर मुसखर यु बारमुत सजा वाकई माने खुर मुसखर बह कात सी मानि खुत मुसखर कर ब्याखा सवाल उतान इंसानस कसम प्रॉब्लम गई त्रे समझ हम इसके बाद एक और मसाला उठता है वो क्या है क्या लिखा है आपके नोट में ह ये बड़ा मसाला है यम कस गई यम गई त्रिया अब हम यहां पे लिखेंगे यु त्रे और चूरम फेट वर्स फ्रीडियम ये गो जबर और इख्तियार इखियार फलसफा ये कि जबरी यानी बाल फात दिगर अच्छे मिशी हंद पुर् कॉ मशीन खेल राउुण्ड तो तपरी पकान किन अजदी अ प्नि फ्री विल सब कह कर यानी इंसान मजबूर महज कंसाना इख्तियार। ये भी एक मसला उठता है ना बार बार हमें बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं है इस मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे नसूस है जैसे आशा के दरमिया मोतजिल्ल के दरमिया सवाल भी उठे

और अच्छा पे सी ग तकदीर मसल क्या कुछ लोगों ने कहा मैन इज द मेकर ऑफ़ हिज ओन डान पुन मुकदर पान फ्रेम कर कुछ नहीं हम बस जबरी महाजेन वन दबा हा यह सो रब सरफ य पक तथा पब ये तस्वुर खतनाक है ये गमित मजहबदार ते यु ये तस्वुरस पा जबर कि आजादी अगर जबुर्च तेल क्या इख्तियारे अनान बोम मेकेजम यह सस्टम इस तबार पकुन कजी हा प तकदी पान बन ये, ये मसल तो यह बड़ा ही ना दिलचस्प एक बहस है ये फ्री विल और फेट के दरमियान ठीक क्या मैन अपना फेट खुद बनाता है ठीक या क्या कहते हैं इसको ये जबरी महज है या इसको ये बस एक मिशी का पुर्जा है युकन मिशी अमि राउु दी तकन पकिए और इसके बाद एक अहम जो प्रॉब्लम है पांचवी प्रॉब्लम वो क्या है हाँ वट इज गुड़ एंड वट इज इवल ये गई चूरम यह गुड़ एंड इवल का फलसफा मतलब खर क्या चौ? बाल चाल फादीगर हको वन की क्या गोना क्या च हलाल क्या चौ? हराम क्या डिटरमाइन यह खर ग शर ग यस वन हलाल ग हराम यह हे क्यू सटी मंस खस शर मगर बेक सोइी मज बदि खेल खर कुल सोइी मं आ खर बेकिस सटी मज चीज य ब्या सवाल निकी तो बदी हसवुर क्या हलाल तो हराम तस्वुर क्या खर तो शार तुर क तो इसको भी फलसफा डील करता है और मजहब ने भी इसको डील किया है दोनों की अलग अलग मैंने कहा ना मकासद के एतबार से ये सिमिलर है लेकिन फिर जब जवाब आते हैं ना फिलासफी ये प्योरली किस पे डिपेंड है लॉजिक पे रीजन पे अकल पे इधराक पे लेकिन मजहब कहता नहीं आपके अकल वहां नहीं पहुंचेगी तो इन सवाल का जवाब आप डिवाइन रेवल्यूशन से देंगे हम ना और इसके बाद प्रॉब्लम है सोल और बॉडी का छठी प्रॉब्लम क्या है सोल एंड बॉडी ये बड़ा मसला है अच्छा सिर्फ मरकब जिसम सती जैसे हम बात करते हैं खाते हैं पीते हैं जिसमत से डेवलपमेंट दिवस ताकत वातनावान फिर कोई काम करते हैं एनर्जी होती है उसके बाद काम फिर असंदर से बेक जुज रूह और फिर उस रूह की हकीकत क्या है ये बड़ा मसला है आज के दौर में भी और यह बड़ा मामला रूह हस्त जिसमस क्या तल्ल पानी और यहाँ पर ज़्यादातर सूफ़ी हजरात जो है ना उन्होंने इसमें ज़्यादा डिस्कशन क्योंकि उनका ताल्लुक ज़्यादा से रूह पर है और फिर उन्होंने वो दर्जात भी जिक्र किए हैं कि किस तरह रूह डेवलप हो सकती है बनी बन आला रूह और बहुत सारी वो डिस्कशन डे पफियात मंज मगर मामला ये है कि ये बुनियादी सवाल है रूह क्या है क्या रूह इंसान के मरने साथ ही मरने के साथ ही ख़त्म होती है? या ये इमोटल है इमोटल आप समझते हैं ना ये कभी फना होने वाली अफस फिर क्या है और लाजमी तौर ये वह यह तर ना फिक्र कि अगर दपो सोल् इमोटल फिर इसके बाद और एक तस्वर आता है आखरत का अकाउंटेबिलिटी का क्या लाइफ आफ्टर डेथ क्या है क्या है कि नहीं है हाँ मे समझ तो सेवंथ प्रॉब्लम क्या है माइंड एंड मैटर माइंड एंड मैटर ये क्या मतलब को गो यन तक सुन फलसा फिक्र माइंड एंड मैटर क्या है रियलिटी रियल्टी सोन हमारी जहन में आइडियाज आती है थिंकिंग आती है कि रियटी चुख सोचान एनवायरमेंट एतबार मटेरियलिज्म जो है ना मटेरियलिज्म जो मार्क्स का फलसफा है मार्क्स का फलसफा क्या है वो कहता है मैटर इज रियल चुख ते ब्रोण कने हालत सचुवेश योजे अक्कसी कहान दागस मे च एरिया यूटोपिया यासमानीनी ख्याा थवा क्या झी ख ख्याल वह हालत ब्रोक वो चोन माइंड इंजनड गई सोशल पोशल गेंजि तो माइंड और बॉडी ये क्या कहते हैं इसको मैटर में रियल क्या है माइंड रियल है हैडिया रिम खया र कि उस मैटर यह रियल और मार्क्स ने कहा ये जो माइंड में हम कहते हैं कि मजहब वजह ये सारा ये सारा डोंग है इसकी कोई हकीकत नहीं है असल में एक इलीट क्लास है जिसको आपने अल्फ में बुर्ज वाजी तमो कन्सेप्ट क्रिएट गरीबन मजीद चौब दिखा मजीद खून चूसने खाते तिन्ना सो हेवन आट्स पे अल्फा पोलिटेरियट तो उसकी किताब जो है ना वो आ, क्या कहते हैं की बाइबल कहलाई जाती है ठीक उसकी जो किताब है उसको कहते हैं एथसटिक की बाइबल कार मार्क यह फलसफ देवान सच वा हकीकत मैटर हकीकत क्या चु मैटर और मैटर ही इमोटल मैटर ग ख़त्म कही तवे आओ ये मेटीरियल जो आज देख रहे हैं ना आप तो दुनिया को संवाना दुनियावी जिंदगी को ही तरजीह देना ही पानस पर पलिब जितना आपने खून चूसो आप गरीबों का लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए ये सारा मेटीरियल की देन है यह मौरी सोच यह महरी अगर माइंड अच्छे रियल माना फिर वो चीजें जो मजहब में कही जाती है कि गरीबन मदद यतीमन मदद मंडन मदद मिसकन मदद गरीब, गरीब तबक डाउन ट्रडुन तिम मदद लेकिन ये कहते तक कि नहीं, असल मे मेटरियल है माइंड रियल नहीं है बहर या इतने ख्याल इंसान ये वाली फितरी व ये हकीकत से फरी तौर तो इनकिशाफ गा कि नहीं वाँगी सोचना वाँगी है सोसाइटी सोचनावा चीज़ यह इसका सातवा जो प्रॉब्लम है उसके साथ डील करती है फिलॉसफी भी और मजहब भी ठीक आठवा क्या है डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ हम कहेंगे आखिर लाइफ आफ्टर डेथ मरने के बाद क्या है क्या मरने के बाद दोबारा जिंदगी ये जाएंगे क्या हम अपने अमाल के लिए अकाउंटेबल है क्या आज गए मुहासब क्या आसें हिसाब किताब मजहब भी इस सवाल के साथ डील करता है और फिलासफी भी इस सवाल के साथ डील करती है अच्छा अगर अकाउंटेबल कम चीज़ों की अकाउंटेबल कमी ब्रोच अकाउंटेबिलिटी कत पे आई एकाउंटेबल्टी आज समझ तो ये आठवीं प्रॉब्लम है इसवी भी बहस है तो इसके बाद यानी जिसको हम कहते हैं जजावा सजा का फलसफा जजावा सजा और मेन द प्रॉब्लम इज मैन एंड द स्टेट यहां हम डेमोक्रेसी वगैरह जितने भी ये कंसेप्ट है ना तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी जितने भी ये तस्वुरात है वो किस जुमरे में आएंगे अकिस इंसान क्या स्टेट से ताल्लुक अख इंसान अम्स क्या ताल्लुक रोज अहंदिस माशरे सहंद स्टेट सत्या यह इंसानन स्टेट बन कट आलरेडी बन इंसानस खा इसमें हम पढ़ेंगे सोशल कन्ट्रैक लिस्टस तीन लोगों ने कहा कि उस सोसाइटी से वजूदस आमंत यह इंसानो पान अख महाद कोर्मुत जैसे जे एस मिल की बात हम करेंगे बाे जकस रोसो की बात हम करेंगे टामस होबस की बात हम करेंगे बाे यानी उन्होंने कहा कि इंसानन बनो यह स्टेट सोसाइटी बाय अ कन्ट्रैक्ट यह पान नैचरीली बोख अके कंट्रेट सब हम पटर और पे तक कंट्रैक्टर पुन पुन तरीक़ कर कंट्रेटर मांग पत्व यानी जो लीडर होगा स्टेट जो रूलर होगा यह होना चाहे कर् मोनारकी सपोट डेमोक्रेसी सपोर्ट, सपोर्ट। आज समझ सी सो तस्वुर कं स्टेट एंड मैं इंसानस क्या रिश्त प्नस समाज स प्निसटेटस प्निस माशरस सतसाना माश्रस्मी करण क्यों माशु इंसानस बना कलरेडी क्या कन्ट्रैक्ट गम कम गई कन्ट्रैक्ट ये हम देखेंगे और ट्रम जो है वो क्या कहते हैं इसको रेवल्यूशन में या हम कहते हैं मकामी नबूमत रेल्यूशन का मसला क्या अच्छा गाइडेंस खत रूशन ठीक है क्या अच्छा रहनुमाई खतर गाइडेंस खतर कोनी इलाही रहबरी हि जरूरत टाइम खतर छसापद मैसेंजर टाइम खतर छसाका नबी के सानड अकल छु ओपेक्स ये अक्ली है के तमाम सवालत जवाब देत जैसे मुआतजला थे उन्होंने कुरान और सुन्नत को किस पर तोला अक्ल पे जैसे आलिम सुनावल जमात उनके खिलाफ जो असल जो बड़ा एक मसला आया एक मकालमा आया या बहस व तकरार हुई आकल मुकदम कि नकल मुकदम मोहताजान ना अकल मुकदम नकल हसा तोलों अल पकल तोल नकल मुराद जो मनकूल है यानी कुरान सुन्नत यहाँ वो नकल नहीं है नकली नकल मुराद होती है मनकूल यानी जो मनसूस जो नसूस होती है युम नसूस कुरानो सन्त तोलो तोल्यकल पकल तो नकलस तो नकल तो तो जमात का अकीदा क्या है नकल ये मुकदम है अकल उस किताब है क्योंकि अकल सारी चीजें नहीं समझ सकती यह गो बहस यानी अबतुक बहस अं कुरानु बहस इलाही गडेंसु बहस तो ये दस तरह के बहुस आपको फिलासफी में मिलती है और ये मजहबी डी करता है वह दह अगर इन त्रि त्रे लाई एथीन रूद तथी एथीजम रूस ना तीर्ट बे बी ते कर तिम पैठ तरीबा जे लगे कम कम करो लिजा मैंने मुनासिब समझा हम सिर्फ एक चीज पे बात करेंगे दैट इज नेचर ऑफ गॉड अल्लाह क्रिएटर खालिक इसके अवसाफ इसका तसवु फिलासफी क्या कहती है और मजहब क्या क्या है फिलाफी के क्या दलाइल है मजहब के क्या दलाइल है ताकि वो से ना प्रॉब्लम पाबल यहां असा अस्थीजम करें डी एथीजम क्या मसल तिश् वास्तिए सूं जोरत अड तक अच्छा अक्ल्च मैार् है, हि तमाम बल्कि तुम वाला यी एम हाँ दी तमाम वो आम पोस्ट मॉडर्न क्योंकि हम इस बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था कि जिसको आप रियलिटी कहते ते ना यह नगेटिव इस क्या ओपर बहे काटर नगेटिव यहान यह कोई है ही नहीं रियल्टी सेटन अब्ज्यू आमझाई ब्रिमसान थोड़ा मुश्किल पा मैं ना तो संदर सब्जेक्टिव मीनज ये इंसान पे इंसान को अलग हो जाता है वैरी मिसाल आपके पास री कुछ और है, मेरे पास रिटी कुछ और जैसे वो क्या यूटिलिटेरियन पसपुल यूटिलिटेरियन प्रंसिपल मतलब गो इन खर्त तो शरक ना तवर युन खर कै वन झा चीज खर वन सर शर ना यह डिप खर मे नीचे खर् बहुत दिख पे खरस पल दि पर्स पा तव वे मगरीबाब मज़ा वैसे क्या जाए होमोसेकचुअल्टी लीगल कर तमो दुख ठीक अक्लन ठीक अच्छे ठीक रोजान लिहाजा ये आप इसको लीगल करते हैं माच म मजहब गायडेंस कहीं झाशान ठीक झा रबी बसान सह आप के के बार बीच चेंज झियलटी मे नीश रिटी खर कौन पालिटिशन पॉलिटन की वाला अपुज मगर अम्स अम्य अपज्स स खर हासिल यह क्या ते यह जूठ नूठ से खैर गो पानस फायदे हासिल लिहाजा इसको दीजिए जैसे क्या कहते मेखी प्रिंसिपल पड़ेंगे मैकविल पॉलिटिक्स उसमें यही प्रंसपल लिखा है आप अगर झूठ से कोई नफा हासिल करते हैं अपने लिए कोई मफाद तो ये आपके लिए झूठ नहीं है आपके लिए सही है लोगों के लिए झूठ है इसी चीज बहर इस पर हम बात करेंगे दह तम प्रॉब्लम जो फ़िलासफी डील करती है जिसको मजहबी डील लेकिन हम सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम देखेंगे सो गो अल्लाह सुन तस्वुर फलसफ क्या वाना मुख्तलि इंद फ़िलासफर से क्योंकि ये मुतफिक नहीं है यहाँ रीजन सत्या लाजक सन अकलिस तो लिहाजा ये मुतफिक नहीं मजहब मुतफिक क्रिएटर कौन है क्रिएटर की क्या सिफात है इलाहियात में क्या है अकायद में क्या है वो हम इनशा डील करेंगे तो इतना काफ़ी है सुबह कलमी हमदिक शदो अल तो फ़ुर् वह वन यु खुद दिलचस्पी मौजू क्य ये मसला है कह दा मे क्या फिलासफी पी मे कच सवाल डील करें मगर आ लाग रन जवाब दिन सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई कुन दा कर मासी एथिस किंह सह थोड़ा लिबरल टाइप फिर आपको पता चलेगा कि ये सवाल बुनियादी होती उसके सोगूमेंटस दिवान और हमारे पास फिर कोई जवाब क्या मे दाई असि दायी दायस ग पता ते शस रिफ्यूट कर अगर नीस शर हो पता क्य दानी दिलचस्पी मौजूद अस् कह भी सोचते हुए हे कह मतूना पाए आगर मानूश यह चीज

तमें वह सर्स इनकार शिमद मामला ये फिर हा इन झाद कर मे दू ना तुम पटना एडलगन एस कत आपके पास कोई आगूमेंट नहीं होगा फिर कर पेशान तसे ही मामलों तविश्चर इमाम तो दिन इलमिलकल क्योंकि हमने ज्यादा इलमिलकल की बात है इलमुकाम मगर सहालत ते ख डोमिनेट शर उस कम तम कम महदूद बैंक लिमिट आज शर ज़्यादा खर्च कम और आज आपको कन्फ्रंट होता है चे पी शक्लमंद मुसलमान शक्लिमंदबरल या सक्यूलर या बान बान इज्म दपान चीज हज नतीजे ना आप इसको कैसे कन्फ्रंट करेंगे इसका मुकाबला कैसे करेंगे ये चीज समझ नहीं लिहाजा ये, ये चीज पारो कह तो हमें फिर इनका इनके इनका जो रद्द है वो रद्द भी नहीं कर सकते को पुन दिफा कम से कम कर पनू दिफा ये गौर एर जिले व्दीन खानन उसने उसमें तीन मसाइल उठाए एक सकोल तेजा पता सिगमेंट फ्राइड क्योंकि उस पर बात नहीं होगी शायद या मुमकिन है मैं किसी दरस में उसका जिक्र भी करूँगा सिगमंड फ्राइड क्या साइको सइको एनलिसिस और यही पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में यही पहले पढ़ाया जाता है सोच वाइको एनैलिस दुम तुनिया मिश्चि अकोए फैक्टर दैट इज सेक्चुअल उसको वो कहता है अपने अल्फाज में लिबिडो सेक्स प्लेजर पंसपल स माजि तो कोरी या मलिस तो काज तो नचिस पानी सित्ररी महबत यह असली यो शहत मोहब्बत मगर बच्चा वह मेचुर यह कमच्य शक्ल मोहब्बत मोहब्त चक्लिम